हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मॉडल देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये टोटल 40 क्वेश्चन है। आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किसका होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है वो होता है वित्त आयोग का, ठीक है। वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, वित्त आयोग की स्थापना ये हुई थी 22 नवंबर 1951 को, जो है वित्त आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक लेखा समिति अपने वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट ये लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलवे को निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी रेलवे को ये संघ सूची के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षा कार्यों की निगरानी निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षा कार्यों की निगरानी जो है ये लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी संविधान का अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, गोवा राज्य का निर्माण संविधान के किस संशोधन के द्वारा हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी गोवा राज्य का निर्माण ये संविधान के 56वां संशोधन के द्वारा हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान के 86वां संशोधन के द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति का गठन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, योजना अवकाश निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी योजना अवकाश ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो है घोषित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी का डांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी महात्मा गांधी जी का जो डांडी मार्च था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 में, जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन ये संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत जो है लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन पहली बार कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति शासन पहली बार में ये 6 महीने तक के लिए लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भारत में योजना आयोग की स्थापना ये 15 मार्च
सन 1950 को की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग निम्नलिखित में से किस तरह की संस्था है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी योजना आयोग ये परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रसार को कितने घंटे पहले रोक दिए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रसार को वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले जो है रोक दिए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की जो शक्ति होती है वो होती है संसद के पास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सन 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सन 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता ये श्री बोमेस चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ब्लड कैंसर को आमतौर पर ये ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र जो है ये राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो राजकाज की भाषाएं हैं वो है अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, यानी ये छः भाषाएँ जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार जो है संशोधन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएच स्केल का परिसर निम्नलिखित में से कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी पीएच स्केल का जो परिसर होता है वो होता है 0 से 14 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू होने के समय कितने भागों में विभाजित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी भारतीय संविधान लागू होने के समय ये 22 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दी जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे इंगित करने के लिए होता है?
इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग जो है ये प्रेस तथा समाचार पत्र को इंगित करने के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा किस विषय में शामिल है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भारत के संविधान में सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा जो है ये भारतीय संविधान के सातवीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी यूएनओ का मुख्यालय ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी आपेक्षिक आर्द्रता को ये प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे में अतिशीघ्रता जंग कहाँ पर लगती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी लोहे में अतिशीघ्रता जंग ये समुद्र के जल में लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोहे में जिंक यानी जस्ता का लेप लगा देने पर लोहे में जंग नहीं लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इस प्रक्रिया को जस्ता चढ़ाना कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति जो है ये स्थानांतरीय और घूर्णी गति का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? तो देखिए, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं ये भी कमेंट्स में बताएं। ठीक है, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।